तो हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है मैं फिर से आप लोगों का एक और न्यू वीडियोस में। तो तुम्हारा फिर से आ चुका है एक और न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ में वापस। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यार इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है पबजी मोबाइल नेट का, जो हमारी सीरीज चल रही है ना टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो भाई इस बार भी हम टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ खतरनाक ग्लिचेस लेकर आ चुके हैं। तो भाई ये वीडियो पबजी मोबाइल नेट वाले बंदों के लिए है। तो भाई आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप पबजी मोबाइल नेट खेलते हो तो भाई कॉन्करर क्या होता है। तो भाई सभी बंदों का ड्रीम होता है कॉन्करर तक जाने का। तो भाई कुछ बंदे जाते हैं, कुछ नहीं जा पाते हैं। तो कारण क्या होता है भाई, वो अच्छे से रैंक पुश नहीं कर पाते हैं और मैच के शुरू स्टार्ट होते ही मर जाते हैं, और भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा माइनस लगता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कॉन्करर कैसे जा सकते हो। तो भाई इस वीडियो में आप लोगों को तीन बिगेस्ट ग्लिच बताऊंगा, तीन ऐसे ग्लिच बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करते हो ना तो भाई इजीली आप एंड मैच के एंड तक सर्वाइव कर पाओगे और फटाक से चिकन भी निकाल पाओगे, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा रैंक होती है ना वो बहुत ज़्यादा प्लस मिलेगी और आप किस बहुत ज़्यादा सहायता होगी कॉन्करर पुश करने के लिए। तो भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो इससे कॉन्करर का क्या उसके हिसाब होता है, क्या फंडा होता है। तो भाई उसमें क्या होता है कि लास्ट तक जिंदा रहना होता है और चिकन निकालना होता है, तभी आपके ज़्यादा प्लस लगेगी, आप चिकन निकाल पाओगे और आपको ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करना होता है। तो भाई अगर आप पहले ही मर जाते हो ना भाई मैच में उतरने से पहले ही, तो भाई आपकी काफ़ी ज़्यादा माइनस लगेगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरा कहने का मतलब ये है, मैं तीन ऐसे ग्लिच बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो कर काफ़ी समय तक सर्वाइव कर सकते हो और इजीली से लास्ट में चिकन भी निकाल सकते हो। तो यार वीडियो करते हैं स्टार्ट, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में जो बेल आइकन वाला बटन होता है उसको बटन के एल पर सेट कर लेना, क्या ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को आगे मिल जाए। और अगर आप लोग गेम प्ले भी देखना चाहते हो तो भाई चैनल पर आप लोगों को अब कंटिन्यू गेम प्ले भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट, लेट्स प्ले। तो गाइस जो हमारा फर्स्ट ग्लिच है वो वर्क करता है स्किन डेल्टा के पास में जो ब्रिज होता है उसके पीछे साइड में जो आप पर खाली बस होती है ना, तो भाई आप इसके अंदर छिप सकते हो। तो उसके लिए आपको यूजर चाहिए होगी और आपको ऐसे मैनर में लगानी है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर बैठकर अपने स्काईपैड को ओपन करनी है और आगे की तरफ स्लाइड करती रहना है, फिर आपको एक बार फिर से स्लाइड करनी है अपने स्काईपैड को ओपन कर। तो बूम बम गाइस आप आ जाओगे जो यहाँ पर खाली वैन बोल सकते हो, फिर बस बोल सकते हो, जो भी होगी मेरे को नहीं पता, आप इजीली से इसके अंदर आ जाओगे। तो गाइस देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर कोई बंदा आप पे फायर नहीं कर सकता, लेकिन आप दूर दूर तक के बंदों को यहाँ पर फायर देकर उसे आसानी से किल कर सकते हो। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये ग्लिच है, आप यहाँ पर अगर आप आ जाते हो ना तो भाई आप काफ़ी समय तक यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। अगर यहाँ पर लास्ट जोन बन जाता है ना तो भाई इजीली से आप यहाँ पर मतलब चिकन निकाल सकते हो इजीली तरीके से। कोई भी बंदा आपको यहाँ तक बिल्कुल भी 1% डैमेज नहीं दे पाएगा। और आप देख रहे हो भाई, आप अगर आपके पास नेड या स्मोक वगैरह है ना तो भाई आप इजीली से बाहर भी थ्रो कर सकते हो। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ग्लिच है। अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, देखो यहाँ पर उसके सामने की तरफ एक जगह होती है, यहाँ पर आकर आपको क्राउच एंड जंप दोनों साथ में दबाना है। तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर जगह होती है, आप इसके ऊपर आ जाओगे, फिर यहाँ पर लेटकर आपने मतलब प्रोन होकर आपको अपने स्काईपैड को ओपन करना है और इजली गाइज आप इससे बाहर भेजाओ जिस प्रकार से देखो मैं आ चुका हूँ। तो गाइज इस ग्लिच को आप जरूर फॉलो करना और आई होप यार आप लोगों को ग्लिच अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ग्लिच अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस जो हमारा सेकंड ग्लिच है वो वर्क करता है भाई एसपोर्ट के ऊपर साइड में जो आपर गुफा होती है यहाँ पर। तो उसके लिए भी आपको यूजर चाहिए होगी और आपको ऐसे मैनर में लगाने जैसे अपने एक नंबर वाले ग्लिच में लगाई थी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर अपने स्काईपैड को ओपन कर आपको ऐसे आना है, फिर गाइस आपको एक बार फिर से अपने स्काईपैड को ओपन करना है। तो गाइस आपको क्या होगा, आपको झटका लगेगा और आप आ जाओगे सपनों के शहर में। तो गाइस आप देख पा रहे हो कितना अच्छा है सपनों का शहर है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा आप लोगों को व्यू मिल जाएगा देखने के लिए। तो भाई आपको लग रहा है बिल्कुल जैसे आप स्वर्ग लोक में आ चुके हो, आपको ऐसा लग रहा होगा। तो गाइस देखो इस ग्लिच का बहुत तगड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप यहाँ से बस आपको यहाँ पर मतलब आपको अपना टाइम स्पेंड करना है, यानी कि आपको बस अपना समय यहाँ पर बिताना है, ठीक है। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब आप बंदों को बिल्कुल भी 0% तक डैमेज भी नहीं दे पाओगे। और इसका बहुत तगड़ा डिसएडवांटेज ये क्या है कि अगर आप यहाँ पर नेड वगैरह भी करते हो ना तो भाई कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, बस आप यहाँ पर आकर अपनी टाइम स्पेंड कर सकते हो, काफ़ी समय तक आप एंड तक यहाँ पर रह सकते हो अगर आप लोग आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर लास्ट जोन बनने वाला है। तो गाइस देखो जैसे ही मैं मोली बार फेंकता हूँ ना तो भाई देख पा रहे हो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी और ये मेरे ऊपर ही आकर गिर जाएगी। देखो गाइस कैसे यार, देखो कुछ नहीं भाई, बस आप यहाँ पर आकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो और ज़्यादा कुछ भी नहीं, किसी बंदे का कुछ भी फायर वगैरह कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो गाइस मैं आप लोगों को एक प्रूफ फोर दिखा देता हूँ लाइव, आप मतलब देखो मेरे ऊपर बंदे जो मतलब बंदे आ रहे हैं ना, देखो मेरे को कितना गोली मार रहा हूँ, कुछ भी नहीं, 0% तक वो डैमेज भी नहीं हो रहा है। तो भाई इसका डिसएडवांटेज यही है कि भाई आप यहाँ से कुछ नहीं कर पाओगे, ओनली आप अपने समय को यहाँ पर बिता सकते हो। और लास्ट जोन में अगर आपको फाइट लेनी है ना तो इससे अगर आप बाहर निकलना चाहते हो फाइट लेने के लिए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, देखो यहाँ पर साइड में जो आपके पास रिवर मतलब आपको पानी टाइप चमक रहा हो कुछ ऐसा, देखो
जैसे कि पानी भर रहा हो, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आकर आपको जंप कर देना है इस पानी के अंदर। तो गाइज़ आपको लगेगा कि आप पानी के अंदर गिर चुके हो, लेकिन नहीं गाइज़, आप आ जाओगे गुफा के बाहर ऊपर के साइड में, और यहाँ से आकर आप बंदों को पेल सकते हो। तो गाइज आप इसके लिए इसको भी जरूर ट्राई करना अगर आप कोई अगले रैंक पुश कर रहे हो। तो गाइस जो हमारा थर्ड नंबर का ग्लिच है वो जो बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है, उसके लिए आपको आइसलैंड में आना होगा। और आप देख पा रहे हो ना ये गोल गोल सा जो थमला होता है, आपको यहाँ पर आकर पंच जंप और स्काई पैड तीनों को साथ में पुश करना होगा। तो गाइस जो यहाँ पर फनी ग्लिच है वो हो जाएगा। फनी ग्लिच आप देख पा रहे हो कैसा है भाई, जो हमारा स्काई पैड है भाई वो हवा में लेकर ये बंदा घूम रहा है। तो गाइस आप अपने टीममेट को दिखा सकते हो, या फिर आपने किसी भी एनिमी के साथ टीम अप कर रखा है ना, तो भाई आप उसे दिखाकर बिल्कुल शॉट कर सकते हो, शॉट यानी कि आप उसे सरप्राइज कर सकते हो। तो भाई कन्फर्म 100% वो बंदा पूछेगा भाई आपने कैसे किया, और ये भाई आप हवा में कैसे उड़ रहे हो। तो गाइस ये सिर्फ आप फन के लिए यूज कर सकते हो, अगर आप बंदे के सामने जाओगे ना तो भाई आपका डब्बा ऐसे ही उड़ता हुआ हवा में बना देगा। तो भाई आप एनिमी के सामने ये ट्राई मत करना, बस आप अपने टीममेट को दिखा सकते हो। और गाइस आप लोगों को कमेंट करके बताओ यार आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और यार जो भी बंदा भाई चैनल पर नया हो रहा है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सपोर्ट करो भाई अपने भाई को, क्योंकि यार आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो यहाँ पर लाते रहता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स की, और अब आप लोगों को गेम प्ले देखने के लिए मिल जाएगा इस चैनल पर। तो यार आज के लिए इतना ही, और मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।